अ वार्म वेलकम टू एवरी वन। आई होप एवरी वन इज डूइंग गुड। आज हम एक बहुत सिंपल सा केक का रेसिपी देखेंगे जिसमें हम दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले, और इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये केक बनाएंगे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और एक बढ़िया सा टी टाइम केक है ये। प्लीज़ इसे ट्राई करें और ये वीडियो आप एंड तक देखें, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे केक का जो ये टिन है इसे हम ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें तेल अच्छे से सारे साइड से ग्रीस कर लूंगी। आप बटर भी ले सकते हो। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिर्फ इसे मैदे से डस्ट कर सकते हो, वो भी चलेगा। और इसमें बटर पेपर लगा देती हूँ। और बटर पेपर लगाने के बाद आप वापस इसे तेल से या बटर से ग्रीस करके लेंगे। टिन यहाँ पे रेडी है। सबसे पहले हम इसमें दो अंडे फोड़कर डालेंगे। दो अंडे फोड़कर डालने के बाद आप इसमें 1/4 कप तेल डाल दें। ये वेजिटेबल ऑयल है, 60 ml है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप नहीं होगा तो आप 60 ml तेल ले लीजिए। तेल डालने के बाद आप इसमें आधा कप ये पाउडर शुगर है जो 125 ml है, इन सबको आप अच्छे से पहले मिक्स कर ले। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है ये मैदा लिया है जो 250 ml है। मैदा को मैं इसमें डाल देती हूँ। ये 1 कप मैदे के साथ आप 1/2 teaspoon जो है बेकिंग सोडा डाल दीजिए और थोड़ा सा सिर्फ 1 pinch सॉल्ट। अब इसे हम अच्छी तरीके से हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में आप इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें हम हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने आज ये मैंगो माजा लिया है। आप मैंगो माजा के बदले आप स्लाइस भी ले सकते हो, आप फ्रूटी भी ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये 10 रुपए का पैकेट है और ये 150 ml है। इसे हमें पूरा यूज करना है। अब इसमें हमें ये पूरा जूस जो है ये बैटर में डाल देना है। बैटर में डालने के बाद इसे आप धीरे धीरे मिक्स करें। अब यहाँ पे हमारा बैटर जो है ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें आप अगर आपके पास फूड कलर हो तो आप इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा जो है फूड कलर यूज कर रही हूँ, बहुत ही कम। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर ले लिया है कलर के साथ। अब जो ये मिक्स किया हुआ बैटर है इसे हम टिन में ट्रांसफर करते हैं। अब बैटर को हम ट्रांसफर कर लेते हैं टिन में। आप देख सकते हो कितना स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। अब यहाँ कुकर को मैंने 10-15 मिनट पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था। प्री हीट करने के लिए आप अंदर का जो रबर है वो और इसका व्हिसल आप निकाल ले। और रबर मैंने सिविक स्टैंड रखकर इसे प्री हीट कर लिया था। अब हमने जो बैटर तैयार किया है टिन को हम डबल टैप करके इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे आप 35-45 मिनट्स इसे बेक होने दें। 40-45 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करेंगे और आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखें। अब यहाँ पे 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। मैं टूथपिक से चेक कर लेती हूँ, अगर ये सेंटर में डालकर देखती हूँ अगर ये क्लीन निकलेगा तो ये बेक हो चुका है। अच्छे से ये टूथपिक जो है क्लीन निकला है, अब ये कम्प्लीटली बेक हो चुका है और ये जो केक है ये अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है।
यहाँ पर हमारा ये जो केक है मैंने बाहर निकाल दिया है कुकर से, और ये जो आप देख रहे हो क्रैक्स, इसका आप टेंशन ना ले, बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही मेरा कुकर जो है वो प्री हीट हो चुका था, ओवर प्री हीटिंग की वजह से ये ऊपर का लेयर जो है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि हीट जो है वो ऊपर के लेयर में तुरंत थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है वो अंदर के लेयर से, इसीलिए ऊपर जो है क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो अगर ये अगर आपका कुकर ज्यादा प्री हीट हो जाए तो उस वजह से ये होता है, तो आप इसे बिल्कुल इस पे ज्यादा टेंशन ना ले अगर ये क्रैक्स आया तो। बट ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हुआ है, इसे मैं अब कम्प्लीटली ठंडा होने देती हूँ, और ये जब कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे बाहर निकालेंगे। अब हमारे केक को हम डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हो क्रैक्स काफी कम हो चुके हैं, जैसे वो केक ठंडा हो जाता है क्रैक्स अपने आप थोड़े कम होने लगते हैं। अब इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। बटर पेपर आप निकाल ले, आप देख सकते हो काफी स्पॉन्जी और बहुत ही डिलीशियस केक बना है ये। इसे मैं आपको कट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कितना फ्लफी और कितना अमेजिंग दिख रहा है, इसका टेक्सचर और इसका वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप प्लीज इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेशन में बताना ना भूले। ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करें, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।